हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विलेज। आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक। उस कड़ी में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर देखिए दिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। फ्रेंड, कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है एक्स होता है, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 से पाई तक होनी चाहिए, बट ये 7 पाई बाई 6 हमारे रेंज से बाहर है। ये रेंज, अगर आपको ये सब समझ में बात नहीं आ रही है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए पढ़ना। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स इसको लिख देंगे कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 6। ये हो जाएगा 6 दुनी 12 में से 5 या 7 सेट हो गया। और आपको बता दें दोस्त कि कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। अब आपको बता देंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कहें तो एक्स हो जाएगा, लेकिन ये एक्स होना चाहिए हमारे रेंज में, तो ये 5 पाई बाई 6 है मतलब 150 डिग्री और ये हमारे रेंज में होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 19 का जवाब है 5 पाई बाई 6, तो आपका ये ऑप्शन बी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, ये पाई बाई 3 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। फ्रेंड्स, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये 1/2 वैल्यू साइन में होती है पाई बाई 6 की, मतलब 30 डिग्री की, और ये साइन अपनी जगह मौजूद है पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स, दिस इज पाई बाई 6, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2, दिस इज 1, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये जो टेन इनवर्स रूट 3 है इसमें रूट 3 की जो वैल्यू है वो 1060 होती है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, तो इसको हम लिख देंगे टेन इनवर्स 1060 डिग्री, करेक्ट है ना। यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स 1060 डिग्री। और यहाँ पर आपको बता दें कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 3 माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 3 वैल्यू होती है कॉट 30 की, मतलब पाई बाई 6 की, ये आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई, ये cot इनवर्स cot x हो जाएगा x, तो इस तरीके से ये पाई बाई 3 और पाई बाई 6 ऐड हो जाएगा 90 आ जाएगा, 90 माइनस पाई मतलब माइनस 90, ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 19 से 21 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी 2.2 खत्म होती है। दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे, थैंक यू।